गाइस लिटरली इतना जोर से बारिश गिर रहा है ना, और जो बारिश की मजा नहीं रहा। सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमोल, स्वागत करता हूँ नए व्लॉग में। गाइस बहुत टाइम के बाद मैं पहले तो व्लॉग आ रहे थे उसके लिए सबसे पहले सॉरी, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी, इसकी वजह से मैं व्लॉग्स डाल नहीं पा रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे। तो अभी मानसून का मौसम चालू हो चुका है, मतलब हल्की हल्की सी बारिश मुंबई और उसके आजू बाजू के साइड में थोड़ी थोड़ी चालू हो गई है, और यस उसी का मज़ा लेने के लिए। और मानसून की जो लिटरली जो फीलिंग होती है गाइस वो बहुत अल्टीमेट होती है, तो उसी चीज़ की मजा लेने के लिए हमने सोचा कि कोई एक डेस्टिनेशन पे जाएं। डेस्टिनेशन अभी तक हम लोग ने कुछ फिक्स नहीं किया है, बट अपन ये वीडियो में आगे आगे अपने को मालूम पड़ेगा। और ये बेसिकली वीडियो में गाइस अपन देखेंगे कि अपने को मानसून कहाँ कहाँ मिल सकता है। सो गाइस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक प्लीज़ देखिए। और अगर अपने चैनल पर नए हैं तो मैं अभी से कोशिश करूँगा गाइस कि कंटिन्यूसली व्लॉग डाले, और जो मेरे पहले पुराने सब्सक्राइबर है सो गाइस सॉरी वंस अगेन। और चलो इस वीडियो को फटाफट चालू करते हैं। गाइस लिटरली इतना जोर से बारिश गिर रहा है ना, और जो बारिश की मजा नहीं ना क्या बताओ गाइस, बहुत सही लग रहा है यार, ब्यूटीफुल लग रहा है पूरा। देखो आगे कुछ दिख ही नहीं रहा, इनफैक्ट इतना जोर से बारिश है अभी, क्या बात है। मतलब वीडियो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, बारिश अपने को ज़रूर मिली है मुंबई में। अभी मुंबई के बाहर निकलने के बाद देखते हैं अपने को ऐसी ही बारिश मिलती है, इससे अच्छी मिलती है। सो अभी अपन पहुंच चुके हैं लोनावला, और जैसे मेरे बैक साइड में देख पा रहे हो कि अपन अभी है एक्सप्रेस हाईवे पे। थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ रहा है बिकॉज मुझे ये वाले जो माइक है उसकी ज़्यादा आदत नहीं है, तो इसके लिए मैं थोड़ा ज़ोर से बात कर रहा हूँ। बट गाइस यार बहुत अच्छा लगा, सुबह अपन अर्ली मॉर्निंग निकले थे अराउंड 7 o'clock, और ट्रैफिक थोड़ी सी मिली, ज़्यादा नहीं मिली क्योंकि मुझे पता था कि अपन जल्दी निकलेंगे तो ट्रैफिक ज़्यादा नहीं मिलेगी। और अभी थोड़ा सा अपन थोड़ा पीठ लंबी करने के लिए रुक गए थे एक स्पॉट देख के, एक्सप्रेस हाईवे पे ही है थोड़ा लोनावला के आगे। और गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि यार ये वाले व्लॉग में मैंने ऐसा कुछ फिक्स नहीं किया कि कोई डेस्टिनेशन पे जाए और वो डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करे, बस खाली यार अपने को बारिश चाहिए और बारिश को इन्जॉय करने के लिए अपन जा रहे कोई डेस्टिनेशन पर। और बहुत टाइम से मैंने व्लॉग डाला नहीं था आपको पता है, सोचा था कि चलो अभी इस बहाने एक अच्छा सा व्लॉग भी हो और आपसे फिर से मैं कनेक्ट कर पाऊँ मेरे ये यूट्यूब चैनल के द्वारा। गाइस आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, देखो जो क्लाउड की फॉर्मेशन हुई है ना यार, भाई साहब एक नंबर लग रहा है, पता नहीं कितना जस्टिस कर पा रहा है ये, बट पूरा सही लग रहा है। और ये अपना एक्सप्रेस वे है, अभी अपन कात्रज के टनल के इधर आ चुके हैं, और ये टनल भी बहुत मस्त और बढ़िया है। पुणे हम लोग ने बहुत इजीली क्रॉस कर लिया, थोड़ा सा ट्रैफिक हम लोग को मिला पुणे में भी, बट यार उतना ट्रैफिक चलता ही है। अभी ऑलमोस्ट 1 बज चुके हैं और अपन ने पुणे भी छोड़ दिया है, ऑलमोस्ट छोड़ दिया है, और ये आपका टनल थोड़ा सा इंजॉय कर लीजिए अभी। वैसे यार अभी अपन रुके खाना खाने के लिए, 2 बज चुके हैं और अपन ने ऑलमोस्ट हाफ द रोड क्रॉस कर लिया है, पुणे अपन ने क्रॉस किया है। और अभी यहाँ से हम लोगों ने सोचा है कि यहाँ तक तो हम लोग को अभी बारिश नहीं मिला, बस मुंबई में स्टार्टिंग में वीडियो में देखा रहेगा आपने तो उतना ही अपने को बारिश मिला था। तो अभी हम लोग सोचे कि चलो अपन जाते हैं महाबलेश्वर, और महाबलेश्वर यहाँ से बस 70 किलोमीटर्स और है,
तो आराम से अभी खाना खाएंगे अपन, और खाना ऑलरेडी हम लोगों ने मंगा लिया है, सो अभी बस खाना खाएंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। वेल सो अभी गाइज अपन ने हाईवे से जो मेन हाईवे था बैंगलोर वाला हाईवे, वहाँ से अपन ने राइट मार के वही वाले रास्ते पे अपन अभी आ चुके हैं। और जैसा मैंने राइट मारा ना, सो क्लाइमेट चेंज हो गया ना गाइज, कड़क लग रहा है क्लाइमेट। तुमको दिखा दो रुको, अभी बस पीछे बैक साइड में अभी मैप्रो का जो नया आउटलेट है वही वाला, वो पीछे गया। और जो मैं क्लाइमेट की आपको बात कर रहा हूँ, रुको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। अभी गाड़ी चला रहा हो और ये सब कैमरा वगैरह पकड़ रहा हो तो थोड़ा सा अभी यूज़ तो होने को टाइम लगेगा, जैसा मैं आपको ऑलरेडी बताया। तो ये देखो गाइस क्लाइमेट, देखो लुक एट द क्लाइमेट गाइस, अल्टीमेट ऐसा क्लाइमेट हो चुका है। और जिसका अपन इंतज़ार कर रहे थे और बोले थे कि यार अपने को ये बारिश मौसम, वो अपने को ऊपर महाबलेश्वर में मिले, सो होपफुली अपने को मिल जाएगा, मुझे तो ऐसा लगता है। और सुनाई दिया है कि 2-3 दिन में भी वैसे बारिश गिरने वाला है, सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। क्लाइमेट चेंज हो गया है, वो देखो क्लाउड्स, देखो क्या लग रहे हैं, मतलब कितने नजदीक लग रहे हैं क्लाउड। और अपन पहुंच चुके हैं महाबलेश्वर में, बस अभी एक 10 किलोमीटर में या उसे नजदीक में अपन मार्केट पहुंच जाएंगे। ये है अपना वीना लेक, विच इज ऑल्सो वेरी फेमस, ये भी है एक स्पॉट। और यहाँ पे चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट पे अपने को लेना पड़ेगा चलान। वेल सो गाइस, जैसे आपने देखा कि हम लोग अभी महाबलेश्वर पहुंच चुके हैं और क्लाइमेट तो बहुत पूरा फॉगी हो गया है। मतलब यहाँ पे बस महाबलेश्वर मार्केट के अंदर ही हम लोग का होटल है जो हम लोग ने अभी ये टाइम पे लिया हुआ है, और पूरा क्लाइमेट चेंज हो गया है। मुंबई में इतनी धूप, इतनी ह्यूमिडिटी, वो सब छोड़ के लिटरली जो हमको करना था, जो हमको क्लाइमेट चाहिए था, वो हमको डेफिनेटली यहाँ पे महाबलेश्वर में मिल गया। सो गाइस अभी मैं ये वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया है, तो अपन इसको शॉर्ट रखते हैं। और इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसका जो पार्ट टू आएगा, उसमें महाबलेश्वर का जो पूरा क्लाइमेट है वो आपको डेफिनेटली गाइज मैं ज़रूर बताऊंगा। सो गाइज ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर अपने चैनल पे नए हो या पुराने सब्सक्राइबर हो तो सॉरी वंस अगेन, और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और ऐसे अच्छे व्लॉग्स में मिलूंगा। टिल देन साइनिंग ऑफ, जय हिंद।